आपकी शादी कब हुई थी आ, शादी मेरी काफ़ी कम उम्र में हुई थी आ, मैं क्लास एट में थी तेरह साल की थी तकरीबन और फर्स्ट मैरिज थी ऑब्वियसली चाइल्ड मैरिज थी आ, तो हाँ, आपको काफ़ी लेकिन पढ़ने का शौक था तो आ, ये है कि फिर शादी के बाद ही जो बाकी मेरी आ, पढ़ाई थी वो कंप्लीट करी आपको याद है आ, अपनी शादी का दिन आपको कुछ समझ में आया था क्योंकि तेरह साल बहुत छोटी एज होती है और उस उम्र में शादी का कॉन्सेप्ट तो आई डोंट थिंक ज़्यादातर बच्चों को समझ में आता भी है कि शादी का मतलब क्या होता है उस वक्त आ, मुझे आ, मुझे पढ़ाई का बहुत शौक था मैं चाहती थी कि मैं कम से कम इंटर कर लूँ मैट्रिक कर लूँ कुछ तो कर लूँ पढ़ने तो दें कम से कम लेकिन वो आ, बस थी एक जल्दी पेरेंट्स को तो वो एक्साइटमेंट वो बात नहीं थी जो होनी चाहिए थी जो एक जाहिर एक नॉर्मल लड़की में होती, होती है, है। तो मुझे एक फिक्र थी कि नहीं मैं नहीं करना चाहती थी मैं खुश नहीं थी मैं घूम रही थी भागती फिर रही थी तो अम्मी ने मुझे एक टाइम पे डांट के बिठाया था कि दुल्हन हो एक जगह बैठ जाओ और जब आप अपने हस्बैंड के घर पहुँचे तब आपका उनके साथ प्रॉपर इंट्रोडक्शन हुआ या पहले से आप लोग ने बातचीत शुरू कर दी थी एंगेजमेंट के पीरियड में फर्स्ट इंट्रक्शन रसुमात चल रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी तो उन चीज़ों को मैं इंजॉय कर रही थी जो एक होता है कि वो चावल का फेंकना और वो चीज़ें hmm. तो uh, वो छोटी छोटी रस्में हैं तो उन चीज़ों को मैंने इंजॉय किया और उसके बाद जो आपकी एक रिलेशनशिप uh, स्टार्ट हुई तो उसको आप कैसा डिस्क्राइब करेंगी किस तरह की रिलेशनशिप थी शुरू में तो आ, सब बेहतर था जैसा होता है ऐसा ऐसा चीज़ें जो है वो फिर आ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आ, जैसे फैमिली अच्छी थी वो कुछ आ, बुरी आदतों में थे आ, उनकी गैदरिंग अच्छी नहीं थी फ्रेंड्स वग़ैरह में तो आ, थोड़ा वो फ्रॉड में थे नशा करने लगे थे ऐसा ऐसा जब चीज़ें सामने आ रही थी तो लेकिन हमारे यहाँ तो एक होता है ना कि बस शादी हो गई है तो उसको निभाना है कम्प्लीटली तो आप अपने अम्मी अबू को बताती थी, थी कि ये सब हो रहा है नहीं मैंने कभी नहीं बताया किसी को भी बहुत सारी चीज़ क्योंकि जब नशा कर लेते थे तो आ, होता ये था कि आ, फिर ज़ाहिर इंसान जब होश में नहीं है तो आ, हाथ भी उठाना चीज़ें घर की तोड़ना और बहुत ही ज्यादा हद तक जो है चीज़ें बढ़ गई थी मेरी गलती ये थी कि मुझे अपनी फैमिली को बड़ों को बताना चाहिए था तो वो आ, कभी नहीं बताया अम्मी के सामने जब ये तमाम चीजें आई पेरेंट्स ने जब देखा फिर मुझे याद है मेरे भाई बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे कहा था कि कमल ख़त्म कर दो ये रिश्ता पीछे हट जाओ जिंदगी ख़राब हो जाएगी तो मैंने कहा कि नहीं अब हो गई ये तो निभाऊंगी एज थी जब ये सब आप बर्दाश्त कर रही थी और आपके अम्मी अबू भी अब इस आ, लेवल पे इन्वॉल्व हो गए थे उस वक्त आपकी क्या एज थी उस वक्त मैं तकरीबन सत्रह साल की होंगी अभी भी आप हाँ बच्ची ही थी अंडर एटीन थी जी हाँ बिल्कुल और मेरा बेटा भी हो चुका था इसी दौरान में मतलब मैट्रिक आ, मैंने कंप्लीट बाद में किया है पहले मेरा बेटा हुआ है और ग्रेजुएशन बाद में किया है उससे पहले मेरी बेटी हुई है और फिर चीज़ें खुद ही जो है फिर गुस्से में आके उन्होंने एक दिन मुझे तलाक़ के अल्फाज बोल दिए काफ़ी सारे लोग क्योंकि जब बहुत ज़्यादा एक शिद्दत पसंद इंसान गु़स्सा आ जाना तो लोग जमा हो जाया करते थे और जब वो लोग जमा थे काफ़ी उनकी फ़ैमिली भी थी एक टाइम तो उन सबके ही सामने मुझे कई बार तलाक़ के अल्फाज बोले और इससे पहले भी उसके बाद फिर मेरा दिल नहीं माना फिर मैं अम्मी के यहाँ वापस आ गई फिर अम्मी के आकर मैंने जॉब स्टार्ट की और जब मैं उस रिश्ते से आज़ाद हुई थी मुझे लगता था ना जाने उस वक्त मैं आगे सर्वाइव कैसे करूँगी कैसी ज़िंदगी गुजरेगी तो वहाँ से आज़ाद होने के जब मैंने खुद जॉब शुरू की है सकून की ज़िंदगी में आई हूँ तो मैं खुश थी मैंने चीज़ों को जो है अच्छे से समझना शुरू किया आगे मतलब अपनी मेहनत की कमाई और सुकून की जिंदगी क्या होती है बाद में मुझे पता चला और आपके बच्चे भी आपके साथ ही थे हाँ बच्चे दोनों मेरे साथ थे और मैं अपना ग्रेजुएशन जब कम्प्लीट हो गया था उसके बाद जॉब स्टार्ट करती थी मुझे शुरू से एक शौक था कि मैं पायलट बनना चाहती थी एक था कि उड़ूँ मैं लेकिन आ, वो नहीं पूरी हो सकी क्योंकि आ, जब मैं देख रही थी जल्दी शादी और उसके अंदर तो काफ़ी पढ़ाई की जरूरत होती है तो फिर मैंने चकर, सोचा चलें एयर हॉस्स बन जाऊँगी उसके लिए भी कोशिश करी तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया वहाँ पर एयर अच्छा, हॉस्टेस के लिए कौन सी एयरलाइन में आ, शाइन इंटरनेशनल एयरलाइन में वहाँ पर आ, वहाँ पर भी सिलेक्शन हो गया जॉब भी अच्छी जा रही थी उनकी भी कॉल्स आया करती थी कि वापस आ जाओ तो मैंने कहा एयर होस्टेस बन गई एयर होस्टिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था और हाँ। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग हुई उसके बाद उन्होंने कहा था कि जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था उसी रात इंसीडेंट मेरे साथ हो गया मतलब ये कि मैं जा नहीं सकी मैं उड़ नहीं सकी उससे पहले ही समझ लें की तरह से पर काट दिए तो आ, आप बता सकती हैं इंसिडेंट के बारे में आ, जिस आ, आ, अगले दिन जब मुझे जाना था जॉइनिंग थी मेरी तो आ, मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी उन्ह और इतफ़ाक से मेरा 24 अक्टूबर की बात है मेरा बर्थडे भी था और ट्वेंटी लग चुका था तो उन्होंने मुझे आ, रात में ही विश किया और कहा कि विश करने के बाद आ, मैंने उनसे बात की तो मैंने आ, मेरी कोशिश थी कि अब वो मुझे आराम से जो है वो आ, खुला तलाक़ दे दें ख़त्म कर दें जो तलाक तो दे चुके थे पेपर्स जो होते हैं कम्प्लीटली जो एक रह गया है वो भी ख़त्म कर दें तो उनसे मैंने कहा तो उन्होंने कहा तुम्हें मैं एक यानी कहा चले बर्थडे है तो ये तोहफ़ा दे दें दे आप मुझे है ना उन्होंने कहा पूछा कि क्या चाहिए तो उसके जवाब में मैंने कहा ये तोहफ़ा दे दें दे आप मुझे यानी ऐसे तोहफ़ा दूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखूगी एक अजीसी बेचैनी थी सोने की कोशिश कर रही थी क्योंकि सुबह ही सुबह उठना था एयरपोर्ट पहुंचना था बुलाया था तो सुबह बस आंख लगी थी कि फ़जर के टाइम अम्मी ने मुझे उठाया कि कमल देखो दरवाज़े पर कोई आया है आ, तो मैंने कहा अम्मी एकदम मैं जुला के उठी मैंने कहा अम्मी इस टाइम कौन आया है तो कह रही कि पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट से कोई आया हो कोई आ, कोई लेटर वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ हो कुछ भी हो सकता है देख लो मैं गई हूँ तो हमारा ग्रिल डोर बंद था और वुड डोर जो है वो खुला हुआ था दरवाज़ा बस मैंने हल्का सा खोला तो एक लड़का खड़ा था मुझे ठीक नहीं लगा मुझे लगा कि शायद पता नहीं कोई डकैती करने के लिए तो नहीं आए हैं ये कहीं दरवाज़ा खोलूँ अंदर आ जाए तो मैंने ऐसे ही पर्दा हटाकर कर कहा जी कह रहे मिस कमल वैनिका जी कहिए कह रहे आपका पार्सल है आप पार्सल ले लें तो मैंने कहा नहीं चाहिए कोई पार्सल अब मुझे नहीं पता था उनके हाथ में कोई बॉक्स तो पकड़ा हुआ था लेकिन वो बॉक्स इस तरह से था कि एक उन्होंने गत्ते का टुकड़ा था उसके ऊपर गिफ्ट पेपर चढ़ाया हुआ था और उसको इस तरह पकड़ा था जैसे कोई बॉक्स हो और पीछे ग्लास था जो लस्सी का बड़ा वाला एक ग्लास होता है कांच का उसके अंदर चार किस्म के एसिड थे बहुत ही ख़तरनाक तो मैंने जब उन्हें कहा कि जाए नहीं चाहिए पर्दा नीचे कर ही रही थी उन्होंने बहुत तेज़ी में यूँ फेंका है ज़ोर से मैं मेरे ऊपर रहा है जीखे मैंने कहा अम्मी अम्मी पीछे खड़ी थी मैं जैसे ही पढ़ती हूँ उन्होंने और ज़ोर से फेंका है तो पीछे मेरे यहाँ पर आया और समझे मैंने कहा अम्मी ये क्या अम्मी का कहा बस ये लफ सुना है तेजाब और मैं बस जैसे मुझसे जान निकल गई थी मैं वहीं बैठ गई मैंने कहा बस अब यहाँ लाइफ खत्म है एकदम से वो चीज़ ये Sorry. Uh, जब अब uh, एसिड जब पड़ा था तो अब uh, समझे बॉडी की पूरी में जान जैसे निकल जाती है मैं बस uh, बाहरी तखत वहां पे बैठी थी एकदम और उस वक्त बस मेरे दिवा में ये था कि अब यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म अब कुछ भी नहीं बचा है सारे के सारे आ, वो एक एक्साइटमेंट थी कि अगले दिन से जो है मैं फ़्लाइट लूँगी उड़ूँगी वो चीज़ें और आ, आगे बच्चों की अलग फिक्र थी कि शुक्र है कि मेरी बेटी अंदर सो रही थी वरना होता ही है कि दरवाज़ा बचता है तो वो भागकर पहले पहुंच जाती है उस टाइम वो वहाँ मौजूद नहीं थी लेकिन वो शोर से सहम कर एक साइड पे दब के ज़रूर बैठ गई थी और हमारे यहाँ किसी को अवेयरनेस ही नहीं है किसी को पता ही नहीं है कि आ, जब एसिड जब पड़ता है तो क्या किया जाता है यहाँ तक अम्मी भी नहीं समझ पा रही थी अम्मी एकदम परेशान थी कि आ, करना क्या है कि पानी डालें या ना डालें और भी आ, शोर शराबी की वजह से क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था तो अम्मी ने काफ़ी आवाज़ें लगाई थी इधर उधर तो बहुत सारे लोग आ गए थे कि देखो मेरी बच्ची के साथ क्या हुआ है वो लड़के तो भाग गए थे और मुझे हॉस्पिटल लेके गए हैं सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए वहाँ पे उन्होंने पानी नहीं डाला उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ये केसेस नहीं लिए जाते उन्होंने अब्बासी हॉस्पिटल भेज दिया अब्बासी हॉस्पिटल में भी फोर्थ uh, रोड तक जैसे तैसे हम लोग पहुँचे उन्होंने भी पानी नहीं डाला उन्होंने कहा कि यहाँ पे इनको सिविल बंस ले जाएं वहाँ पे सुबह नौ बजे आ, मतलब समझें पाँच बजे के टाइम ये हादसा हुआ है सुबह नौ बजे फिर पानी आया है मेरे ऊपर अगर पानी स्टार्ट में ही डाल देते प्रेशर से तो वो काफ़ी स्किन जो है मेरी बच सकती थी मेरी नाक ये चेहरा ये कान ये जितना भी था सब खत्म हो गया था इसीलिए क्योंकि एसिड वो मुस्तकिल जज्ब होता रहा तो अगर पहले से आप पानी डाल दें एसिड विक्टिम पे तो फिर वो स्किन सैलवेज कुछ थोड़ी बहुत हो हाँ, जाती है बिल्कुल वो एसिड जो है निकल जाता है जितना पानी डाल सकते हैं तो एसिड निकल जाता है और वो काफ़ी सेफ होती है स्किन लेकिन चूंकि पानी नहीं डाला था तो एसिड मुस्तकिल जज्ब होता रहा फाइव आवर्स तक चार, जी हाँ, तक। चार पाँच घंटे तक मुस्तकिल वो स्किन मेरी डेथ हो गई थी बिल्कुल ही डेड स्किन हो जाती है और फिर आम, जो सिविल के जो बर्नस वार्ड के लोग हैं फिर उन्होंने आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की हाँ वहाँ पे जाने के बाद जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट फिर वहाँ पे मिलना शुरू हुआ है फिर वहाँ पर डेप्लेस इस्माइल अगेन से मसरत मिसबा आई थी उन्होंने मुझे लिया और पटेल हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया प्राइवेट हॉस्पिटल में फिर वहाँ पे मेरी सर्जरी सिस्टर रहती थी, थी मसरत मिसबा वहाँ पे उस विजिटिंग करती थी मेरी एक जहाँ मैं जॉब कर रही थी तो कलीग हैं तो उन्होंने रेफरेंस दिया था वाद मिसबा को पता चला है फिर वो आई हैं उन्होंने मुझे ख़ुद जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाया वहाँ पर मेरी फिर सर्जरीज जो है स्टार्ट हुई हैं स्टार्ट में तो कोशिश होती है कि थोड़ा स्किन इतनी बेहतर हो जाए उसके बाद ही क्राफ्टिंग वग़ैरह जो भी होता है वो स्टार्ट की जाती है, है। डॉक्टर देखते रहते हैं और फिर जैसे मेरा सिर्फ एक जगह से नहीं हुआ है इलाज, इलाज जहाँ पे जो बेहतर लगा डॉक्टर इटली से भी आए हैं डॉक्टर मुझे कभी इस्लामाबाद भी गई हूँ बाजी ने जो है वो मुझे लाहौर भी भेजा है और तीन तीन महीने एडमिट रही हूँ एक एक साथ तो वो जिसके मतलब जहाँ तक जो डॉक्टर समझ सकते थे तो इस अनाथ छोटी 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 भी और बड़ी भी बहुत सारी सर्जरीज हुई हैं और उस पर आप लोग केस फाइल कर सके थे अपने हस्बैंड हस्बैंड पे हाँ मैंने केस कर दिया था लेकिन आ, बात यही आई थी कि कुरान पाक उठा के कहा कि आ, मैंने नहीं फिकवाया क्योंकि जो फेंकने वाले थे वो खुद तो डायरेक्ट नहीं आए ना फिकवाया तो फिर मैंने अल्लाह के ऊपर मामला छोड़ दिया था क्योंकि मैं... कोई तरीका नहीं था उसको कोर्ट में प्रूफ करने का मैं आ, हाँ एक ये भी था क्योंकि यहाँ पे तो बात ये है ना कि फेंकवाया गया है खुद सामने आके बंदे ने नहीं फेंका तो इसलिए और जिन लोगों ने फेंका था उनको भी नहीं पकड़ सकते काश पकड़ी जाते काश ऐसा होता इतने हमारी अच्छी पुलिस होती लोग इतने ज़्यादा अच्छे होते तो ऐसा कुछ था ही नहीं मैंने काफ़ी कोशिश करी मैं जहाँ तक हो सकता था स्केचेस बना रहे हैं आ, वो वो लड़के कुछ ऐसे थे जैसे आ, शायद पाँच दस हज़ार रुपये देकर उनसे ये काम कराया है और पता नहीं आ, कौन थे लेकिन वो मुझे लगता है वो खुद भी जला होगा क्योंकि जब एसिड फेंका था तो वो हमारी ग्रिल डोर से टकराया दक, था तो उनके ऊपर भी गया होगा क्योंकि अम्मी जब पीछे खड़ी थी मेरी अम्मी के ऊपर भी कुछ छिटी आए थे यहाँ पर उनके लेकिन शुक्र है कि उनका चेहरा बचा था उसके बाद आपकी कैसी जर्नी थी आपने अपने आप को ऑब्वियसली कैसे संभाला इतने सारे ट्रामा के साथ आ, मैं आ, सुसाइडल हो गई थी कोशिश करती थी कि बस मौका मिले और हॉस्पिटल में मुझे याद है मैं मेरे साथ जो मेरी कज़न वगैरह सब आगे पीछे घूमते थे कि ये मौका मिलेगा और ये कुछ कर लेंगी लेकिन आ, जब सर्जरीज के बाद आ, फिर इसके अलावा मैं मसरत मिसबा ने हमारी बहुत से मतलब साइकट्रिस्ट वगैरह से भी मुलाकात होती रहती थी और कुछ ऐसी क्लासेस दी हैं जिसमें काफ़ी हिम्मत मिली है और लड़कियों से मिली हूँ हमारी जो एन जी ओ में मुख्तलिफ़ कहानियाँ देखी हैं लाहौर गई थी लाहौर के जो पंजाब साइड से लड़कियाँ आई हुई थी उनके ऊपर पूरे पूरे कैन डाले हुए थे कि वो एक ढांचे की तरह थी तो और भी ख़तरनाक केसेस देख कर तो उनसे भी थोड़ी हिम्मत मिली मुझसे उनको हिम्मत मिली तो जब हम सब साथ होते थे तो अभी भी हम साथ होते हैं तो एक अलग ही एक एनर्जी आ जाती है हिम्मत मिल जाती है हमें तो बस इसी तरह एक कम्युनिटी बन गई आप लोगों की कोशिश करी और सरवाइव किया बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आसान नहीं है लेकिन आ, लोग अच्छे मिल जाए बस ये था कि मुझे आ, लोग अच्छे मिल गए थे आ, जब मेरी शादी वहाँ ख़त्म हो गई थी अम्मी के घर आ गई थी जॉब स्टार्ट हो गई थी तो फिर एक रिश्ता मेरा और आया था तो मुझे आ, मुझे पसंद कर हाँ इस इंसिडेंट से पहले ही तो आ, हमारी तकरीबन बात हो चीत हो चुकी थी घर वालों में उन्होंने जो है मुझे आ, बच्चों के साथ जो है वो मुझे अपनाने को तैयार थे लेकिन आ, एक मैं बहुत बड़े चीज़ से हादसे से ज़ाहिर है वो एक गुजर चुकी थी जो था तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों को खुद संभालूं और देखूं अभी लाइफ अभी एक चीज़ से मैं आज़ाद हुई थी थोड़ा सुकून में रहकर लेकिन फिर ये हादसा हो गया था लेकिन वो उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था वो इस हादसे के बाद भी हॉस्पिटल में सबसे पहले वो पहुँचे हुए थे उनकी अम्मी पहुँची हुई थी और उन्होंने काफ़ी मेरा आ, साथ दिया मुझे लगता था कि यहाँ तो लाइफ ख़त्म हो गई है और लोगों को भी लगता था जाहिर है जब वो, शादी का हो रहा था कि मुश्किल है मतलब इस चेहरे के साथ कोई शादी कर रहा है तो ये एक जज्बाती फैसला होता है ज़्यादा निभा नहीं सकते तो अब आप आप क्वेश्चन आप, आप करती थी उनसे ये वाला कि हाँ। आप सीरियस हैं क्या होगा आगे आपको होता था डाउट हाँ मेरा यही डाउट था मैं आ, कहती थी कि ये एक जज्बाती फैसला मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ कर सकते मैं साफ उनको इनकार भी कर दिया था मना कर दिया था बिल्कुल ख़त्म करके मैं आ, मिलती भी नहीं थी और आ, मैंने आ, जब सुसाइड की भी कोशिश की थी लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी मैं मर नहीं सकी थी आ, कोशिश करी है मैंने दो से तीन दफ़ा तो उन्होंने जो है कहा कि नहीं आ, मैं निभाऊंगा मैं करूंगा मैं, आ, मैं चाहता हूं इस तरह से तो मैं ये सोचती थी कि मेरे साथ जो है उनकी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी बल्कि मुझे तो लगता था कि शायद मेरे बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी उनसे जब लोग सवाल करेंगे कि आके मम्मा ने ऐसा क्या किया कि उनके ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जो हमारे माशरे में नॉर्मली ये सवाल किया जाता है तो हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा ब्लेम औरत पर ही रखती है ना हर चीज़ का क्योंकि आई डोंट थिंक कि किसी ने कोई ऐसा काम किया हो सकता है कि उसके ऊपर एसिड फेंका जाए राइट लेट अलोन के कि आपने तो लिटरली कुछ भी नहीं किया था लेकिन शायद कोई भी ऐसा काम नहीं है जो डिज़र्व करता है कि उस पर एसिड फेंका जाए उसके अलावा कौन सी चीज़ें थीं जिन्होंने आपको हेल्प किया इस पूरे रिकनसिलियशन फ़ेज़ में रिकवरी फ़ेज़ में और कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से लोग थे Uh, मेरे हस्बैंड जो हैं उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया बच्चों ने सपोर्ट किया इस हादसे के बाद समझे कुछ अर्से बाद फिर uh, उन्होंने शादी भी करी मुझे लगता था कि uh, यहाँ तो लाइफ ख़त्म हो गई है और लोगों को भी लगता था ज़ाहिर है जब वो शादी का हो रहा था कि uh, मुश्किल है मतलब इस चेहरे के साथ कोई शादी कर रहा है तो ये एक जज्बाती फैसला होता है ज़्यादा निभा नहीं सकते लेकिन उन्होंने कहा कि मैं करूँगा तो इन्हीं से ही करूँगा और एक चेहरे से आ, समझ लें एक चेहरे से नहीं थी मुझे मोहब्बत पूरी शख्सियत से थी उनका यही कहना था और अब समझ लें हमारी शादी को दस साल से ज़्यादा हो चुके हैं और वो साथ दे रहे हैं मेरे साथ बिल्कुल सही है बच्चों को भी उन्होंने अपनाया बिल्कुल वैसे ही ख्याल किया समझे उनके सगे बाप से ज़्यादा समझा और अब तक वो मेरे साथ हैं हम मात नाम मेरे हस्बैंड का हम मात ने भी कहा कि मैं साथ हूँ तो आ, चेहरे से मैंने वो नकाब हटाया फेस करना शुरू कर दिया लोगों को तो अब पहले मैं डरती थी फ़ेस करते हुए कि लोग देख रहे हैं डर लगता था लेकिन अब मैं नहीं डरती लोगों को फेस कर रही हूँ एक बार देखते हैं दूसरी बार मैं उनको स्माइल पास कर देती हूँ तो फिर वो नहीं देखते वो भी स्माइल पास कर देते हैं